स्वर्गीय पिता के पुनर्जन्म की उम्मीद खत्म होने से नाराज एक दामाद ने अपने पूरे परिवार समेत ससुराल वालों को खत्म करने की जहरीली साजिश रची। इस खौफनाक साजिश में उसने खतरनाक थैलियम जहर का इस्तेमाल किया। होम्योपैथी दवा निर्माता देवेंद्र के परिवार को न जाने किसकी नजर लगी कि एक क्षण में सब कुछ बिखर गया। अपनी बड़ी बेटी दिव्या की शादी 28 फरवरी 2009 को रियल एस्टेट कारोबारी वरुण अरोड़ा के साथ धूमधाम से की थी। 11 वर्षों के दौरान वरुण व दिव्या के बीच रिश्ते भी बेहतर रहे, लेकिन पिछले वर्ष दिव्या का गर्भपात कराने के बाद वरुण के व्यवहार में अचानक बदलाव आया और आए दिन झगड़ा करने लगा। इस झगड़े ने हंसते खेलते परिवार को दुख के दरिया में धकेल दिया। घटना के बाद आसपास के सभी लोग सकते में हैं और किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वरुण ऐसा भी कर सकता है। घर वालों के मुताबिक 31 जनवरी को करीब 3 बजे वरुण मछली बनाकर अपने ससुराल पहुंचा था। उस वक्त घर पर उसकी सास अनिता और ससुर देवेंद्र थे। उसने अपनी पत्नी समेत सभी को मछली खिलाई, लेकिन खुद उसे खाने से मना कर दिया और अपने दोनों छोटे बच्चों को दूध पिलाने का बहाना बनाकर अंदर चला गया। इसके बाद वो अपनी साली प्रियंका का इंतजार करता रहा, जो उस दिन अपने दोस्तों के साथ बाहर गई थी। जब शाम करीब 5 बजे वो वापस आए तो 7 बजे करीब उसने प्रियंका को जहरीली मछली खिलाई और खुद जबड़े में दर्द होने का बहाना बना दिया। जहरीली मछली खाने से सबसे पहले प्रियंका की तबीयत खराब हुई और उसे 4 फरवरी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी 15 फरवरी को मौत हो गई। फिर सास अनिता की तबीयत खराब हुई और उन्हें 4 मार्च को अस्पताल में एडमिट कराया गया। इलाज के दौरान 21 मार्च को उनकी मौत हो गई, जबकि वरुण की पत्नी दिव्या पिछले 26 दिनों से कोमा में है। हालांकि ससुर देवेंद्र शर्मा को वरुण की हरकत का पता चल गया। 23 मार्च को खून की जांच में थैलियम जहर की पुष्टि हुई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से इस बात की शिकायत की और एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस का कहना है कि जब वरुण को लगा कि वो पकड़ा जा सकता है तो उसने थोड़ा सा थैलियम पानी में मिलाकर पी लिया। फिलहाल उसे ऑब्जर्वेशन में रखा गया। इसी दौरान पुलिस ने जब वरुण से पूछताछ की तो उसने मछली में थैलियम मिलाने की बात मान ली। डीसीपी वेस्ट उर्वीजा गोयल ने बताया, वरुण अरोड़ा ने गूगल पर सर्च किया था हाउ टू मेक समबडी सिक। उससे ही उसे ये आइडिया आया था और वरुण ने 22,000 में उस जहर को खरीदा था। पुलिस ने वरुण के घर की तलाशी भी ली, जहां उसके ग्रेटर कैलाश पार्ट एक स्थित घर से एक ग्लास में कुछ थैलियम मिला है। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वरुण के पास थैलियम जैसा खतरनाक जहर कहां से आया। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में आरोपी वरुण ने खुलासा किया वह ससुराल के लोगों को मारने की साजिश काफी समय से रच रहा था। उन्हें कैसे मारा जाए, इसके लिए उसने इंटरनेट भी खूब सर्च किया। आखिर में उसे इन लोगों को मारने का रास्ता एक किताब के जरिए मिल गया। उसने तानाशाह रहे सद्दाम हुसैन के बारे में किताब पढ़ी, जिससे उसे पता चला कैसे सद्दाम हुसैन अपने विरोधियों को मारने के लिए थैलियम जहर का इस्तेमाल करता था। देवेंद्र शर्मा ने बताया कि उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की शादी वरुण से 12 साल पहले की थी, लेकिन 7 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें बच्चा नहीं हुआ था, जिसके बाद उन्होंने IVF की मदद ली और आज से करीब 4.5 साल पहले दोनों को जुड़वा बच्चे, एक बेटा और एक बेटी हुए। उस वक्त तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक साल पहले वरुण के पिता की मौत हो गई और तभी दिव्या प्रेग्नेंट हो गई। उस वक्त दिव्या के डॉक्टर ने कहा कि अगर उसने गर्भपात नहीं कराया तो उसकी मौत हो सकती है, जिसके बाद उसने वरुण की इच्छा के खिलाफ गर्भपात करा दिया। वरुण का कहना था कि बच्चे के रूप में उसके पिता वापस आ रहे हैं। देवेंद्र शर्मा के मुताबिक इस गर्भपात के बाद से ही वरुण बहुत गुस्से में रहता था और पूरे परिवार से बदला लेने की फिराक में था। इस साजिश का खुलासा कारोबारी के ससुर देवेंद्र मोहन शर्मा की शिकायत के बाद खुला। दरअसल होम्योपैथी दवाओं के निर्माता शर्मा ने पुलिस को शिकायत देते हुए कहा था कि मेरी पत्नी अनीता शर्मा की मौत गंगाराम अस्पताल में हुई है और इसका शक उनको अपने दामाद वरुण अरोड़ा पर है। साथ ही देवेंद्र शर्मा ने कहा कि दामाद ने इसी साल फरवरी में पूरे परिवार को मछलियां बनाकर खिलाई थी, लेकिन उसने अपने बच्चों और खुद को दूर रखा था। इसी खाने में विषाक्त मिलाया गया था। शक की एक वजह देवेंद्र मोहन शर्मा के बालों का झड़ना भी था। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।